आज सुबह सुबह इंडियन टीम को पहली बुरी खबर मिली और वो ये थी कि शुभमन गिल जो है वो बीमार हो गए हैं। इस वक्त मैं चेन्नई में हूँ, अब से थोड़ी देर पहले चेन्नई पहुंचा हूँ और चेन्नई के मौसम का हाल देखिए। चेन्नई आकर इंडियन टीम के लिए जो है ना वो दूसरी बुरी खबर नजर आ रही है मेरे सामने। खबर ये है कि काले घने बादल चेन्नई को हर तरफ से रोक कर रखे हैं। अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला दो दिन बाद है, मुकाबला 48 घंटों के बाद है, लेकिन मौसम देखकर लग रहा है कि चेन्नई में बारिश जो है वो लगातार हो रही है। और इस सीजन की बात करें, इस मौसम की बात करें तो साल में इस समय चेन्नई में अमूमन नॉर्थ ईस्ट जो रेन्स होते हैं, जो मॉनसून होता है वो होता है, और यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर जो है वो बारिश देखी जाती है। अगर मैच के दिन की बात करें यानी कि 8 तारीख की बात करें तो चेन्नई में 10% बारिश की संभावना है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला है उसमें कोई भी खलल नहीं होगा और मुकाबला पूरी तरीके से होगा। लेकिन अगर इन बादलों को देखें, इन काले घने बादलों को देखें, तो इन्हें देखकर यही लगता है कि बारिश जो है वो चेन्नई में कभी भी शुरू हो सकती है। और आज शाम 6 बजे से भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन भी है, और अगर इसी तरीके से मौसम रहा और अगर बारिश हो गई तो वो प्रैक्टिस सेशन भी भारतीय टीम का मुकाबले से 2 दिन पहले, वर्ल्ड कप के इंडिया के ओपनिंग मैच के 2 दिन पहले प्रैक्टिस सेशन भारतीय टीम का रद्द हो सकता है।